सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। सो दोस्तों, आज का ये जो वीडियोस है गाइज, आप सभी के लिए दोस्तों फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दोस्तों कमाल का व्यू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियोज़ के अंदर गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला फ्रेंड्स कि आप अपने किसी भी नट्स मोबाइल में और सिर्फ कैन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों कुछ इस तरीके का आप लोग ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोज़ के दोस्तों कैसे आप लोग इसको एडिटिंग कर सकते हो। और गाइज, इस वीडियोज़ में बहुत सारे मटेरियल्स को ऐड करके और बहुत सारे इफेक्ट को दोस्तों उसमें ऐड करके और टेम्पलेट्स वीडियोज़ की भी गाइज उसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से एडिटिंग करके इसको फुल एचडी में गाइस कैसे आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों इस वीडियोस के अंदर गाइस मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, एक वीडियोस में बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैन मास्टर एप्लीकेशन से आप ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोस एडिटिंग करना सिखाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ गाइस कि आप लोग किस तरीके से कैन मास्टर एप्लीकेशन से आप ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स को दोस्तों कैसे आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस, ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोस को दोस्तों एडिटिंग करने के लिए गाइस इस वीडियोस में दोस्तों आप लोगों को गाइस कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। यदि आप दोस्तों इस वीडियोस में गाइस आप लोग कहीं पे भी स्किप कर लेते हो तो गाइस आप ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोस को दोस्तों एडिटिंग नहीं कर पाओगे और गाइस आप साथ ही साथ आप टेम्पलेट्स वीडियोस को भी आप डाउनलोड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए गाइस, इस वीडियोस को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियोस के अंदर गाइस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं और गाइस कैन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोस को दोस्तों एडिटिंग करके आप लोगों को गाइस प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो सो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं गाइस राहुल टेक्नोलॉजी कैन यूट्यूब चैनल्स। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियोस को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सो गाइस, देखिए सबसे पहले जो आप लोगों को दोस्तों कैन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट्स वीडियोस को दोस्तों एडिटिंग करने के लिए गाइस सबसे पहले गाइस आप अपने फोन में इस कैन मास्टर एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस कैन मास्टर एप्लीकेशन को मैं अपने फोन में ओपन कर लेता हूं, फिर इसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो गाइस, जैसे कैन मास्टर एप्लीकेशन को आप अपने फोन में गाइस इसको फर्स्ट बार आप लोग ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली प्लस का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद गाइस आपने 16:9 रेशियो को गाइस आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियो बैकग्राउंड्स को गाइस आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियोस के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टेम्पलेट वीडियोस को आप लोगों को कहां से कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इसलिए गाइस, इस वीडियोस को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने शुरू में आ जाना है, ठीक है। और शुरू में आ जाने के बाद दोस्तों अपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों अपने मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस टेम्पलेट वीडियोस को गाइस आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, ठीक है। इस पर दोस्तों आपने क्लिक करके इसको अपने फुल स्क्रीन में कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने बैक चले आना है, ठीक है। और बैक आ जाने के बाद दोस्तों अपने ऑप्शन पे चले आना है और दोस्तों इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इस पर गाइस आपने क्लिक करके सिंपली अपने स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने फिर से शुरू में आ जाना है और शुरू में आ जाने के बाद दोस्तों आपने फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस इस टेम्पलेट्स को गाइस आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों इसको भी आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है और दोस्तों यहाँ से आपने बैक चलाना है, ठीक है। और बैक आ जाने के बाद दोस्तों अपने ऑप्शंस में चलाना है, ठीक है। और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इस पर गाइस आपने क्लिक करके सिंपली अपने स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और मीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस टेम्पलेट्स को गाइस आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस टेम्पलेट्स को गाइस कुछ इस तरीके से आपने रोटेट कर लेना है और गाइस इसको आपने फुल स्क्रीन में जूम कर लेना है, ठीक है। और इसको फुल स्क्रीन में जूम कर लेने के बाद गाइस आपने फिर से ऑप्शंस में चलाना है, ठीक है। और दोस्तों इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इस पर गाइस आपने क्लिक करके सिंपली अपने स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने फिर से शुरू में आ जाना है, ठीक है। और शुरू में आ जाने के बाद दोस्तों आपने फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों अपने मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस बटरफ्लाई टेम्पलेट्स वीडियोस को गाइस आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपने ऑप्शन पे चलना है, ठीक है। और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इस पर दोस्तों आपने क्लिक करके सिंपली अपने स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप लोग स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे जो वीडियो का ब्लैक बैकग्राउंड से गाइस इसे रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने बैक चलाना है, ठीक है। और बैक आ जाने के बाद दोस्तों इस वीडियोस को गाइस कुछ इस तरीके से आपने इसको जूम कर लेना है और इसको जहाँ पे भी इसको गाइस आप एडजस्ट करना चाहते हो कुछ इस तरीके से गाइस आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस जहाँ से आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइस इस टेम्पलेट वीडियोस को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कि गाइस ये टेम्पलेट वीडियोस अब देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियोस है दोस्तों ये एडिटिंग होकर तैयार हो गया, ठीक है। तो गाइस इसमें जो भी मटेरियल्स मैं यूज किया हूँ उन सभी मटेरियल्स का लिंक मैंने दोस्तों अपने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दे दिया है। आप व्हाट्सएप सभी मटेरियल्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस इस टेम्पलेट वीडियोस को अपने फोन में गाइस सेव करने के लिए गाइस यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और जिस क्वालिटी में आप वीडियोस को सेव करना चाहते हो उस क्वालिटी को गाइस आपने सेलेक्ट करके सिंपली अपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो गाइस जैसे आप लोग एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये जो आपका ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो है दोस्तों आपके फोन में गाइस सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था कि कैड मास्टर प्रोडक्शन के मदद से दोस्तों ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियोज़ को गाइस एडिटिंग करना। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आप लोगों को जो पसंद है, अगर पसंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ गाइस इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर दोस्तों आप लोगों ने आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों अभी से गाइस ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा ही टेक्स रिलेटेड एडिटिंग वीडियोज़ अपने चैनल पर गाइस हर रोज लाते रहता हूँ आपके लिए। तो सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते गए हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।